HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखें, नब चुनाव की घोषणा के साथ ही आपको बता दें, चुनावी सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हो गई है और इस बार जो चेयरमैन के सीधे चुनाव होने, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है चुनावी सरगर्मियों का। राजनीति पूरी तरीके से हैवी हो चुकी है। हमारे साथ हैं मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे राव गुरदयाल नंबरदार, जो पार्षद भी रहे हैं और इनका कार्यकाल इसी वक्त समाप्त हुआ है, लेकिन इनकी इस बार सीट महिला हो गई है और चेयरमैनी के लिए इन्होंने भी अपनी पुत्र वधू को मैदान में उतारने के लिए अपनी ताल ठोक दी है। सीधा एक बार जानकारी लेते हैं कि अगर जो महिला सीट हो गई है तो पार्षद का चुनाव कौन लड़ेगा, क्या रणनीति होगी। आपको बता दें, भाजपा के नेता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो जिस तरीके से जानकारी मिल रही है पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़े जाएंगे, तो तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता नेता हैं उन्होंने अपनी अपनी ताल ठोक दी है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां जो जोर पकड़ रही है, क्या कुछ होगा उसमें बात करते हैं। गुरदयाल जी, HR न्यूज में आपका स्वागत है। ये बताइए, क्या तैयारी है आपके चुनाव लड़ने की, सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं और मैंने भारतीय जनता पार्टी से अपनी पुत्रवधु सुषमा के लिए आवेदन किया है। पार्टी टिकट जल्दी देने वाली है। अगर पार्टी ने टिकट मेरी पुत्रवधु को अगर दिया तो हर हाल में रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव में भारी मतों से मैं ये जनता मेरी पुत्रवधु को जिता के लाएगी। आपको बता दें, इनका सबसे बड़ा वार्ड है, इन्हीं के वार्ड के 6000 वोट है और इस बार जो सीधा चुनाव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं तमाम जो निगाहें हैं रेवाड़ी वासियों की चेयरमैन के चुनाव पर टिक गई है। आप ये बताइए, आपका तो सबसे बड़ा वार्ड है, कितने वोट हैं आपके वार्ड में और चेयरमैन के लिए तो पूरी रेवाड़ी से इस बार चुनाव होगा। देखो, ऐसा है, मेरा वार्ड नंबर 12 है जिससे मैं पार्षद हूँ। वार्ड नंबर 12 में लगभग 6000 वोट है, जबकि हमारे नगर परिषद में कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें 2000 से कम वोट है। 6000 वोटों का वार्ड है और मेरी तो पूरी सभी शहर में हर वार्ड में, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसमें मेरे पर्सनल रसूखात ना हो, क्योंकि मैं रेवाड़ी शहर का मैं पैदा हुआ तब से हूँ और रेवाड़ी शहर में मेरे साथ के मेरे जो क्लास फेलो पढ़े लिखे मेरे साथ के हजारों लोग मेरे साथी हैं। आप कितनी बार पार्षद रहे हैं? मैं पहली बार रेवाड़ी में अपना वोट बनवाया पिछली बार, और पिछले चुनाव में पहली बार इलेक्शन लड़ा और उसमें मैं विजय रहा। तो देखिए, पिछली बार पार्षद रहे और आपको बता दें इस बार 2.5 साल लेट चुनाव हो रहे हैं और चेयरमैनी के सीधे चुनाव हैं। ये बताइए, आपने पार्षद के लिए तो अपनी पुत्र वधु को कह दिया चेयरमैनी के लिए, तो पार्षद के लिए किसको लड़ा? पार्षद के लिए मेरे बहुत साथी हैं मेरे वार्ड में। वो किसी भी महिला का उनसे विचार करके उसको चुनाव लड़ाएंगे और जीतेंगे। मुद्दे क्या होंगे इस बार? पिछले चुनाव में आपने नब घोटाले में जो हुए उनको मुद्दा बनाया था, ऐसा ठंडे बस्ते में पड़े। ऐसा है, मेरे मुद्दे ये हैं कि जब मैं पार्षद बना उस समय कांग्रेस सरकार थी और मेरा जो वार्ड है वो रेवाड़ी शहर का सबसे बड़ा वार्ड है और मेरा वार्ड पूरी तरह 12 नंबर अनअप्रूव्ड था, अनडेवलपमेंट था, कोई वहाँ विकास नहीं था। मैंने अपने कार्यकाल में पूरे वार्ड को अप्रूव करा दिया और लगभग 95% वार्ड के अंदर पक्की सड़कें बनवा दी, घर घर में मीठा पानी पहुंचा दिया, स्ट्रीट लाइट लगवा दी। कोई भी ऐसा काम मैंने बाकी नहीं छोड़ा जो कोई मैंने अलग घोषणा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने नब घोटालों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया, जो आप दावा करते थे चुनाव से पूर्व कि बहुत घोटाले हुए हैं। नहीं, नब घोटाला कभी हमने जो है तेजी से ग्रीन्स कमेटी में उठाया था, वो मामला उसकी चल रहा है जी, उसके लिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रखी, बाकी वो विचाराधीन मामला चल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी गुरदयाल जी कई सारे मामले हैं, जैसे चाहे आवारा सांड का हो, पशुओं का हो, आपने देखा होगा पिछले दिनों कई लोग उसके शिकार भी हुए हैं, बच्ची बच्ची है, एक फोटोग्राफर मारा गया। क्या लगता है ये मुद्दे, जनता इस बार इन्हीं मुद्दों पर कहीं ना कहीं मतदान करने के मूड में है, चाहे शौचालय को लेकर के हो, स्थिति कमोबेश शहर की आप देख रहे होंगे किस तरीके से बदहाल है, क्या लगता है आपको ये सब चीज़ें इस बार, जो क्योंकि चेयरमैन का चुनाव भी सीधा होना है, तो किस तरीके से आप मानते हैं कि लोग वोट देंगे आपको? देखो, जो आवारा पशुओं की बात है,
ये सच बात है, आवारा पशु शहर के अंदर बहुत ज़्यादा हो गए, और ये पक्की बात है कि हमारी सरकार में ही इन पशुओं को नगर परिषद का ऐसा टेंडर दिया गया कि शहर में जो पशु आतंक मचाते हैं वो, ये हमारी सरकार बीजेपी सरकार ऐसे जिन्होंने इसका टेंडर किया और काफ़ी बदमाश पशुओं को बाहर निकाल दिया, अगर कुछ रह गए उनको भी रोज पकड़ रहे हैं। तो अब आप जाएंगे किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे चुनाव में? आप पुत्र वधु को उतार रहे हैं, क्या पार्टी सिंबल पे चुनाव मिली तो ही लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये और क्लियर कीजिए आप। देखो, मैंने पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से टिकट मांगा है, अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, नहीं देती है उसके बारे में हम विचार करेंगे। अगर पार्टी ठीक कैंडिडेट को, पार्टी के पुराने कैंडिडेट को अगर टिकट देती है तो हम उसका साथ देंगे। साथ देंगे, सीधा सीधा चैलेंज कर दिया, गलती नहीं करेंगे। लेकिन 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, आपको बता दें रणधीर सिंह कापड़ीवाल जी जिनका टिकट कट गया था, उनके खासम खास है गुरदयाल नंबरदार जी, यानी कि किस तरीके से चुनाव लड़ा गया वो सबके सामने है, और पार्टी को क्या खामियां जब भुगतना पड़ा वो भी सामने। क्या आपको लगता है गलती अगर पार्टी करती है तो नुकसान होगा? नहीं, मुझे लगता है पार्टी गलती नहीं करेगी, हर हाल में पार्टी अपने मूल कार्यकर्ता को टिकट देगी और वो कार्यकर्ता हमारा जीतेगा। लेकिन पार्टी ने तो आपको चेयरमैन के पद से नवाजा था, मार्केट कमेटी का आपको चेयरमैन बनाया, आप रहे लगातार, तो आपको नहीं लगता कि टिकट आपका नहीं कटेगा? नहीं, मुझे तो 100% है कि पार्टी मुझे हर हाल में टिकट देगी, क्योंकि मैं आपको बड़ा क्लियर कर देता हूँ जी कि पार्टी इसलिए टिकट देगी कि जब कांग्रेस सरकार में यहाँ रेवाड़ी के अंदर भूमि अधिग्रहण हुआ, उसके अंदर बसी हुई आबादी, हमारा जैसे विजयनगर है और एरिया है, यहाँ जब कांग्रेस सरकार ने बसे हुए लोगों को उजाड़ने का काम किया, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष था, और मेरे नेतृत्व में इतना बड़ी लड़ाई लड़ी गई जिससे कांग्रेस के घुटने टेक दिए, और 101 गांव के पूरे शहर की यहाँ हमने पंचायत की, और जिसके अंदर सरकार ने बसे हुए लोगों को उजाड़ने की जो मंशा थी वो जबरदस्ती जो है हमने इतनी ताकत लोगों की लगाई कि उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन आपको ये भी तो लगता होगा 2019 में जो कापड़ीवाल जी की टिकट कटी और उसके बाद जो बागियों के चुनाव लड़े, आप लोगों ने कापड़ीवाल जी का साथ दिया और भाजपा का जो उम्मीदवार था फिर मुझसे पर वो चुनाव हार गया, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो नुकसान आपको हो सकता है? नहीं, वो ऐसा वो बात ख़त्म हो गई है, क्योंकि पार्टी समझ गई है, पार्टी मैं अब फिर कह रहा हूँ, पार्टी जिसको भी टिकट देगी सोच समझ के देगी, मूल कार्यकर्ता को टिकट देगी और वो जीतेगा। वो जीतेगा, तो सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है, अगर पार्टी का टिकट मिला तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये थे हमारे साथ राव गुरदयाल नंबरदार, और अगर टिकट मिली तो हम जो इनकी पुत्र वधु है उनका भी इंटरव्यू आपको लगातार दिखाएंगे पूरे चुनावी अपडेट में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि HR न्यूज लगातार आपको हर रोज अपडेट आपको देगा, चुनाव की पल पल की कवरेज आप तक पहुँचेगी। फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही, फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।